नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार से पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने कल पेश हुए केंद्रीय बजट पर उम्मीदों के खिलाफ बताया। वह आज अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में युवाओं और रोजगार पर कोई रणनीति नहीं बनाई गई। साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा करके महंगाई को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में हरियाणा की चर्चा न होना प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा है। इसके अलावा विधायक नैना चौटाला की हरी चुनरी चौपाल के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 90 विधानसभा क्षेत्रों में नैना चौटाला कवर करेंगे और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जेजेपी के साथ जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए हरी चुनरी चौपाल को फिर से शुरू किया जाना है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। केंद्र ने कल अपना रिवाइज बजट 2019-20 के लिए निकाला है और उसके अंदर खास तौर पर 2 रुपया पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाया है। जो लोग किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, आज क्योंकि पीक पर पैडी का सीजन है और किसान का जहां बिजली पर्याप्त मात्रा में सरकार नहीं दे पाती, ट्यूबवेल एक साधन है, आज खेत में उसको ट्रैक्टर डीजल पर चलाना पड़ता है, 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर कहीं ना कहीं उन पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया। जिस तरीके से ना तो रोज़गार के प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा, वहीं सरकार ने ये साबित कर दिया कि स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ और अलग अलग जो प्रोग्राम्स पिछले 5 साल में चलाए गए वो तमाम प्रोग्राम सरकार के विफल, इसलिए इस बजट के अंदर उन प्रोग्राम्स के प्रति सरकार द्वारा कोई 1 नए रुपए का भी आवंटन नहीं किया है। और ख़ास तौर पर हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी के 14 सांसद हैं, 4 राज्यसभा में और 10 लोकसभा में, पूरे बजट के अंदर एक बार भी हरियाणा की चर्चा ना होना ये साबित कर देता है कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश से किनारी काटने का काम किया। चलिए अच्छा है, महिलाओं की जागरूकता बहुत ज़रूरी। श्रीमती नैना चौटाला ने 45 हलके हरिचुनरी चौपाल के माध्यम से कवर करें और कल पिरथला से उसकी दोबारा शुरुआत कर 10 तारीख को होडल, 14 तारीख को नारायणगढ़, और इस तरीके से इस टारगेट और लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तक बचे 45 हलकों के अंदर भी हरिचुनरी चौपाल के माध्यम से महिला शक्ति को जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता उनके बीच में लाई जाए और एक शक्ति ताकत बनाकर प्रदेश के अंदर महिलाओं को उनके अधिकार देने का प्रयास जननायक जनता पार्टी करेगी। आज हरिचुनरी की चौपाल के माध्यम से इनसो को, क्योंकि छात्र संघ चुनाव ड्यू है अगस्त के अंदर, उनको वहाँ पर एक्टिव कर और साथ में प्रदेश के अंदर पार्टी के 18 के 18 सेलों को मजबूती से मैदान में उतारा जाए, उसके कार्य शुरू कर रखा है। जिले लेवल पर 22 के 22 जिलों की बैठक हो चुकी। अगला उद्देश्य हमारा हल्के लेवल तक नहीं, अब गांव लेवल तक जाकर लोगों को जागरूक करना है और उसके ऊपर जननायक जनता पार्टी का एक एक वरिष्ठ पदाधिकारी समर्पित ढंग से काम करेगा।